वालेकुम। मैं आज आपको बेबी नेस्ट बनाने का तरीका बताती हूँ। उसके लिए हम आप ये कपड़ा हमने फोर फोल्ड करा है। इसकी जो चौड़ाई ली है हमने 18 इंच है, डबल करके 18 इंच है। और इसकी लेंथ हमारी है 28 इंच, ये भी डबल है, डबल करके 28 इंच है। ये हो गया। अब हम ये जो हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा है, इधर से हम निशान लगाएंगे। इधर से सबसे पहले हम निशान लगाएंगे 8 इंच पर। एक निशान लगाएंगे हम 8 इंच पर, दूसरा निशान भी हम 8 इंच पर लगाएंगे। ये 8 इंच पे दूसरा निशान आ गया। अब हम एक एक इंच पे दो निशान लगाएंगे। एक इंच पे निशान लगा दिया और फिर एक इंच का ही आ गया, ठीक है। अब इसकी लंबाई में, चौड़ाई में निशान लगाए, अब हम लंबाई में निशान लगाएंगे। लंबाई में पहला निशान हमारा आएगा सबसे पहले 18 इंच पर, ठीक है। उसके बाद आएगा 8 इंच पर, दूसरा निशान आएगा हमारा, ये आ गया 8 इंच पर। फिर वही जैसे वहां हमने लगाए एक एक इंच के दो निशान, एक इंच ये आ गया और एक इंच ये आ गया हमारा। ये सब ये एक एक इंच के निशान है, ये 8 इंच है हमारा और ये है 18 इंच। अब इसकी अब ऐसे ही जैसे ये निशान लगाई 18 इंच लगाया, यहाँ से हम इस पे 8 इंच का निशान लगाएंगे। एक स्केल तो यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाया हमने। अब इसकी एक ये लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे ही 8 इंच का निशान एक यहाँ पे लगाएंगे। अब इसकी लाइन, ये वाली लाइन लंबाई में, ये भी लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये 8 इंच वाली जो है हमारा निशान, ऐसे ही 8 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और ये 8 इंच का हम इधर लगाएंगे। अब इसको भी हम, इसकी लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर ली। ऐसे ही हम अब यहाँ से भी 8 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान मैं इसलिए लगा रही हूँ स्केल से, ताकि हमें मुश्किल ना हो। इतना बड़ा स्केल नहीं है हमारे पास, तो इसलिए थोड़े थोड़े फासले से निशान लगा लिए। अब इससे इसको मिला दिया, इस निशान से इसको मिला दिया और ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब हम इसमें इधर इस कोने पे नीचे की साइड पे गोलाई करेंगे यहाँ से। अब ये गोलाई करिए, तो हम इस गोलाई से 8 इंच का, ये तो हमारा 8-8 इंच के निशान लगे हुए हैं। अब ये गोलाई के पास से हम इसी तरह 8 इंच का निशान लगाएंगे, ताकि हमारे इस वाले हिस्से की भी गोलाई आ जाए। ये 8 इंच का था, तो इस 8 इंच पे ही निशान लगा रहे हैं हम इसका। ये हो गया हमारा। अब हम इन निशानों का आपस में मिला लेंगे, तो ये भी हमारी गोलाई हो जाएगी इसकी भी। अच्छा, इसके बाद हमारा एक एक इंच के निशान है, तो ये गोलाई से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये आपको अभी शायद समझ ना आए, लेकिन जब सिलाई होगी इसकी, फिर आपको इन निशानों का पता चलेगा ये किस लिए लगाए जा रहे हैं। ये इन निशानों को 1 इंच का जो निशान है इस पे लगा दिया, इसकी भी गोलाई कर ली हमने। और यहां से स्केल से लाइन ड्रॉ कर दी। एक और जो 1 इंच का निशान था, उसका भी हम गोलाई के लिए निशान लगा देंगे।
निशान हमारे लग गए। अब ये जो निशान होगा हमारा, ये जो सबसे पहला निशान है, इसकी हम सिलाई करेंगे। इस पर एक सिलाई यहाँ करेंगे और तकरीबन 6 इंच का एक साइड से छोड़ देंगे। फिर ये जब सिलाई के टाइम ये दूसरी इस पर सिलाई करेंगे, इधर से भी 6 इंच का हम छोड़ देंगे। ये जो हम 6 इंच का यहाँ से दोनों इधर से भी छोड़ रहे हैं, इधर से भी, और ये फिर अब ये तीसरी सिलाई जो करेंगे ना, ये वाली तीसरी वाली, तो इस पर भी हम 1 इंच का या 6 इंच का छोड़ेंगे यहाँ से भी। वो इसलिए हम इधर से हम फॉर्म भरेंगे इसके अंदर, ताकि हमारा बेबी नेट सिलकर तैयार होने के बाद, सिलाई करने के बाद इसके अंदर फॉर्म भरा जा सके, इसलिए यहाँ से छोड़ देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमने निशान लगाए हैं, इसके हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, इसके नीचे हमने इसी के नीचे हमने सादा कपड़ा रखा हुआ है, जो एक साइड पे सादा कपड़ा आएगा, एक साइड पे हमारा प्रिंटेड कपड़ा आएगा। जो हमारे जो आखिरी वाला निशान है, आखिरी वाली लाइन है, उसके ऊपर हमारी कटिंग आएगी। ये ओवल शेप में हमारा बनेगा बेबी नेस्ट। ये बस, ये बाकी हमारा ऐसे ही रहेगा, बस ये गोलाई वाली कटिंग आएगी। इसके ये खुलने के बाद हमारा इसकी शेप ऐसी आ जाएगी, इस तरह से शेप आ जाएगी इसकी। अब जब हमने इस तरफ एक साइड पे निशान लगाए हैं, उन निशानों को हमें दूसरी साइड पे भी, मतलब पूरे चारों तरफ लगाना है, क्योंकि हमारी ये सिलाइयाँ जो होंगी हमारी इस शेप में आएगी, पूरे कपड़े के ऊपर इस शेप में आएगी। तो हमें दूसरी साइड भी इन निशानों को, जो हमने निशान नाप कर लगाए हैं, उसी सा वही निशान हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे इसके, ताकि सिलाई करते वक्त हमें कोई मुश्किल ना हो, आसानी से हमारा सारे काम हो जाए। मैं आपको बेबी नेस्ट सीने का तरीका बताती हूँ। उसके लिए पहले हमें निशान लगाने होंगे। हम पहला निशान लगाएंगे 1.5 इंच। ये 1.5 इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे पूरे इस पर, ओवल शेप में, जैसे हमने कटिंग करी है इसकी, इस पे के ऊपर। इस तरह से निशान पूरे चारों हिस्से में लगा लेंगे। ये हमने 4 देख करके रखा हुआ है, चारों हिस्से में ये निशान लग जाएंगे, लगा लेंगे हम। अब ये 1.5 इंच के निशान के बाद हमें 8 इंच का एक निशान लगाना है। ये जो निशान हम लगा रहे हैं, इनके ऊपर हमें, इन्हीं निशानों के ऊपर रखते हुए हमें सिलाई करनी है। ये भी पूरे इस पे निशान लगा लेंगे 8 इंच के। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस तरह से हमने इसके पूरे पीस पे निशान लगा लिए। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, हमने इस तरह से पूरे पीस पे निशान लगा दिए। शेप में, पूरे ओवल शेप में सब निशान लगा लिए। अब इसका दूसरा पीस इसके ऊपर रखकर इसकी सिलाई करते हैं। सारा मिलाकर रखेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। इसका थोड़ा सा हिस्सा खुला छोड़ देंगे, जिससे हमें फॉर्म भर
इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे, इसको थोड़ा सा हिस्सा खोल लेंगे बस। बंद कर देंगे, सिलाई करके बंद कर देंगे, फिर इसके जो साइडों में जो है 8 इंच का जो हमने रखा था उसमें फॉर्म भरेंगे। अब ये जो हमने 8 इंच की लाइन खींची, लाइन सिलाई करी थी, अब हम इसके साइडों में, पहले हमने बीच में फॉर्म भरा है बेबी नेस में, अब इसके साइडों में फॉर्म भर रहे हैं। हमने 8 इंच की सिलाई करी थी, अब उसमें फॉर्म भर रहे हैं इसके साइडों में। इस तरह से ये कंप्लीट पूरा चारों तरफ इसमें फॉर्म भर देंगे, जो फिर हमने सिलाई छोड़ी है उसको कवर कंप्लीट करेंगे। फिर ये जो लास्ट में हमारी 1 इंच की ये बचेगी, इसमें हम डोरी डाल देंगे, तो हमारे बेबी नेट तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी।